ये जितनी मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमारे बिल्कुल भी जहन में नहीं होती कि हमने ये चीज़ें भी लेकर जानी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इनमें से मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 चीज़ें भी लेकर आया हूँगा, जितनी ये मैंने आपको पूरी लिस्ट एक बताई है। तो इसलिए कोशिश करें जिधर से भी आप आ रहे हैं अपने साथ कम से कम ये छोटी छोटी जितनी चीज़ें कैरी कर कर लेकर आएँ, ताकि इधर आकर आपको ये चीज़ें खरीदनी ना पड़े। अगर आपके जहन में भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जिधर तक हो सका मैं इंशाल्लाह आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई है लास्ट, जो कि मैंने पैकिंग लिस्ट के ऊपर बनाई है, जिसमें मैंने जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी फिलहाल उसमें मैंने वो कवर की थी, ज़्यादातर आपकी क्लोथिंग के रिलेटेड ही, कि आपको कौन कौन से जो कपड़े हैं, जो स्टॉफ है वो आपको लेकर आना है, चाहे वो शर्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे शूज़ सॉक्स वगैरह, A to Z इसमें मैंने डिटेल कवर की कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इधर लेकर आनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें आपको कवर हो जाएगी। आज मेरा दिल किया कि पार्ट टू उस पर बनाऊं कि छोटी छोटी चीज़ें कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि आपने अपने साथ लेकर आनी है। वो तो एक बेसिक चीज़ें हो गई जो कि मैंने कवर की, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारे दिल में होती हैं, हम लेकर भी आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती कि हमें ये चीज़ें भी जो है वो लेकर जानी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं नहीं लगता कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इनमें से मैं 2-4 भी चीज़ें लेकर आया था, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था। इधर आकर फिर मैंने जब वो चीज़ें खरीदी आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे पता चला कि यार ये हमें अपने साथ कैरी करके लेकर आनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें इधर से नहीं मिलती। एक एक चीज़ जो है वो इधर से अब मिल जाती है, चाहे वो देसी है, चाहे वो लहती है, चाहे जो भी है, जिस तरह की चीज़ है वो इधर से अब मिल जाती है। लेकिन मैंने पहले वही बात की थी कि शुरू शुरू में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि हम आते ही जो है वो इधर पाउंड खर्चना शुरू कर दें, इधर से आके चीज़ें जो है वो खरीदना शुरू कर दें। तो बेहतर यही है कि जिधर से भी आ रहे हैं उधर से ये चीज़ें अपने साथ कैरी कर कर लेकर आएँ। सबसे पहले यार बात करें जो हमारे मसाला जात होते हैं, छोटे छोटे मसाले वगैरह होते हैं, जिस तरह हमारा बिरयानी मसाला या कोई कई तरह के मसाले होते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि घर पर खाना बनाना जानते हैं, जिन्होंने इधर आकर घर पर कुकिंग करनी है, तो उनके लिए यह है कि वो अपने साथ जो बेसिक मसाले हैं वो अपने साथ कैरी कर कर लेकर आए। एक एक दो दो पैक जो है वो अपने साथ एक पूरा एक पैक बना कर रख लें, जो जब बेसिक बेसिक मसाले हैं जिसमें बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला या इस तरह के बहुत सारे मसाले आ जाते हैं, वो अपने मुताबिक जो है वो अपने साथ कैरी कर कर लेकर आएँ। लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट है, उनके लिए ये स्पेशल है कि वो जो है वो अपने साथ ये चीज़ें लेकर आएँ जो कि उन्होंने घर पर कुकिंग करनी है, जाहिर बात है। इसके बाद बात करें किचन का सामान उनको लेकर आना चाहिए। किचन के सामान में क्या आ जाता है, आपका कप आ जाता है, ग्लास आ जाता है, स्पून फॉक्स वगैरह, इसके अलावा फ्राई पैन, प्लेट्स वगैरह, छुरी वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें किचन की जो जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने साथ लेकर आनी है। इसके अलावा सारी बात है, अगर घर पर कुकिंग करनी है कोई छोटा बहुत, बल्कि वो इधर ही आकर ले लें, क्योंकि वो अगर कोई बड़ा बर्तन लेंगे तो वो सामान में मतलब ज़्यादा जो जगह है वो कवर करेगा, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कम से कम ये जो है वो अपने साथ लेकर आएँ। तो किचन में सारी बात है, ओवन भी आ जाता है, तो भाई ओवन बिल्कुल भी रहने दे। मेरा एक दोस्त था तो उसने मुझे बोला कि यार जो है मेरा घर पर नया ओवन पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ओवन लेकर आ जाऊँ। तो मैंने उसको बोला कि यार ओवन आप रहने दो, इधर से आप वो आप अगर ले लेना, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है किचन की ये आप अपने साथ जो है वो लाजमी कैरी कर कर लेकर आएँ। इसके अलावा बात करें आयरन इस्त्री, अगर आप इस्त्री कैरी करके अपने साथ ला सकते हो, जाहिर बात है जो अभी गर्मी आने वाली है, जो स्टॉफ आपने कपड़ों का पहना, अगर तो इस तरह का कोई स्टॉफ है तो इसकी इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कॉटन की शर्ट है या कॉटन के कपड़े हैं तो वो तो सारी बात है आपने इस्त्री करने ही करने हैं, तो वो आयरन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आयरन अगर कैरी करके अपने साथ ले आ सकते हैं वो अपने साथ लाजमी लेकर आ जाएं। इसके अलावा छोटी चीज़ों में क्या आता है, नेल कटर। नेल कटर सारी बात है ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर तो आपने नाखून तराशने होते हैं, तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अपने साथ एक साइड पे जो है नेल कटर भी अपने साथ आप रख सकते हैं। इसके अलावा स्लीपर चप्पल जिसको हम कहते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं देन में होता, हम शूज़ जो है वो पैक करते रहते हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई उसमें मैंने चप्पल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, चप्पल अपने साथ जो है वो भी आप एक स्लीपर जो है वो कैरी करके लेकर आ जाएँ। इसके अलावा
शेविंग मशीन, जो कि पहले अगर उधर घर पर शेव करते हैं या इवन नहीं भी करते तो भाई घर पर जो है वो खत करना सीख लें, घर पर शेविंग करना सीख लें। इधर आकर पहले नंबर पे इतना टाइम भी नहीं होता, अगर टाइम होता है तो भाई इतने पाउंड नहीं देने होते। हर हफ्ते अगर आप शेविंग करते तो हर हफ्ते आप 10-15-20 पाउंड नहीं दे सकते जाकर अपनी शेव करवाने के लिए। तो बेहतर यही है घर पर शेविंग करना सीखे, अपने साथ एक मशीन, शेविंग मशीन लाजमी लेकर आए ताकि आप अपने घर पर शेव कर सकें। इसके अलावा बात करें अडॉप्टर, अडॉप्टर आपने अपने साथ लाजमी लेकर आना है। मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो चीज़ है ये आपने अपने साथ लाजमी कैरी कर लेकर आनी है, क्योंकि इधर जो सॉकेट वाला सिस्टम है वो दो वाला नहीं है, तीन वाला है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान की मैं ज़्यादा बात करूँ, इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है, तो दो वाला सॉकेट सिस्टम है जिधर आगे ये दो वाले लगते हैं। तो आपने कोशिश करनी है ये अपने साथ 2 से 3 लाजमी लेकर आने हैं ताकि आपका जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर है या कोई आप एक्सटेंशन लेनी है या लैपटॉप का चार्जर है उसके आगे जो है वो इस तरह लगा कर आप यूज़ कर सकें, अदरवाइज जो है इधर से आपको आगे ख़रीदना पड़ेगा। मैं भी अपने साथ नहीं था लेकर आया तो मुझे भाई 10 फ़ोन कहा कर इधर से ख़रीदना पड़ा था। तो बेहतर यही है कि पहले ही 2 से 3 अपने साथ ये कैरी कर लेकर आ जाएं। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट एड मेडिसिन, यार ये अपने साथ जरूर लेकर आइएगा, जिसमें पैनाडोल, पैरास्टामोल या छोटी मोटी जो भी फ्लैजर की गोलियां वगैरह आती हैं उसमें यह शामिल है। इसके अलावा थोमोजेल शामिल है जिसमें डर्मोवेट है, बेटनोवेट क्रीम है, या छोटी मोटी क्रीम है, या फर्स्ट एड की जितनी मेडिसिन है ये आपने अपने साथ पूरा एक फर्स्ट एड का बॉक्स लाजमी लेकर आना है। क्योंकि इधर का जो मेडिकल सिस्टम है वो अच्छा तो है लेकिन यार बहुत स्लो है। आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ सकता है। मैं यकीन करें कि दफ़ा मैं एमरजेंसी में गया था, उन्होंने मुझे बोला मैं 12 बजे का, उन्होंने मुझे बोला 4 बजे आना एमरजेंसी में। तो बेहतर यही है अगर आप बीमार हो जाते हो खुदा नाश्ता तो आप एक पैनाडोल या एक पैरास्टामोल की गोली खाओ, 2 घंटे आराम करो तो भाई आप फ्रेश हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि पूरा फर्स्ट एड का जो एक बॉक्स है, पूरी किट जो है वो अपने साथ लाजमी कैरी कर लेके जाए। ये बहुत ही सारी चीज़ों में से सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये वाली है, फर्स्ट एड बॉक्स, ये अपने साथ लाजमी कैरी कर लेकर आए। इसके बाद अगर बात करें कोई अगर आप उधर हेयर ऑयल यूज करते हैं कोई स्पेशल किस्म का, अगर सस्तों का ही तरह की बात कर लें, मिल जाता है, बहुत सारी देसी शॉप्स इधर अभी बन गई हैं जिधर से मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने साथ कैरी कर लेकर आ सकते हैं कैरी करके तो अपने साथ एक बॉटल वो भी लेकर आ जाएं। अगर हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं तो सारी बात है हेयर ब्रश में आ जाता है, टूथपेस्ट की बात कर लें, ब्रश की बात कर लें, बहुत सारी इसकी जो मतलब ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं वो अपने साथ आप लाजमी कैरी कर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल अपने लिए कोई लोशन यूज करते हैं, अगर लेडीज हैं या कोई जेंट्स इवन कोई लोशन यूज करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए या कोई इवन कोई क्रीम यूज करते हैं स्पेशल किस्म की, तो वो भी अपने साथ कैरी कर लेकर आए ताकि इधर आने के बाद आपको वो चीज़ ढूंढनी ना पड़े या अगर आपको इधर से आकर मिले ना तो वो जो है वो आप उधर से मंगवाएं। मैंने एक साथ मेरा लड़का रहता है दोस्त, उसने जो है वो पॉन्ड्स के लोशन कई दफ़ा वो मंगवाता, कहता है यार इधर से मैंने बहुत पता किया मिलते नहीं हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप डेली बेस पर यूज़ करते हो वो भी अपने साथ आप लाजमी लेकर आ जाओ। इसके अलावा और मतलब आप अपने मुताबिक चीज़ें दे सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो आपको चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आपको ज़रूरी हैं। तो सिगरेट अगर आप पीते हो, या कई मेरे भाई जो हैं वो इनमें सिगरेट पीते होंगे, तो वो अपने साथ भाई ज़रूर कैरी करके लेकर आएं। अगर आपने नहीं भी पीने तो भाई के लिए यार लेकर आ जाएं, और कुछ नहीं तो सिगरेट आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। उनकी मतलब आप दे सकते हैं 2 पैक की इजाज़त होती है वैसे, लेकिन वो बाद का 2 पैक का भी मसला बना देते हैं, वो कहते हैं एक ही ज़रूरत है, कई दफ़ा कहते हैं कि भाई एक की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो आप अपने मुताबिक जो है वो उनको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने उनको किस तरह जो है वो इस चीज़ पे एग्री करना है कि भाई मुझे जो है वो सिगरेट लेकर जाने दें, अदरवाइज मेरा उधर जाकर गुजारा नहीं है। तो यार यही थी एक छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि पूरी एक लिस्ट आपके सामने रख दूँ। इसके अलावा भी शायद कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मेरे जहन में नहीं है, अगर आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि कोई दूसरे जो लोग हैं वो चीज़ें देखकर अपने साथ कैरी कर लेकर आ सकें ताकि दूसरों की जो है वो इस चीज़ में हेल्प हो सके। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के मुतालिक भी पूछा था, मैंने पहले भी बताया इंस्टाग्राम पे पूछा था कि हमें बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कैरी कर लेकर आनी चाहिए। तो अगर आपके जहन में भी कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।